दोस्तों, पैसे को कैसे बचाया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग पैसे कमाते हैं लेकिन बचाते नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि बचाना कैसे, लेकिन फिर भी नहीं बचाते हैं। उसके ऊपर मैं एक बार प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जैसे कि हम महीने में 10,000 कमाते हैं, तो 10,000 कमाते हैं लेकिन मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं रहता है। हम यही सोचते हैं कि चलो यार ठीक है अगले महीने देख, लेकिन ऐसा नहीं। आप उसको 10,000 को आप लिमिट 6,000 5,000 एक लमसम फिक्स कर लीजिए कि हमको इस बचाना है तो बचाना है, अलग सेविंग करना है तो करना है, ताकि हमारे घर परिवार लोग खुश रहे और उनको ज़रूरत पड़े तो तुरंत हम उनको सुविधा दे सकें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बाहर में आते हैं, ड्यूटी भी नहीं करते हैं, और जो भी पैसा मिलता है हम ऐसे संगत की वजह से सब खर्चे कर देते हैं। संगत में काफ़ी लोग खर्चे करते हैं, वो आपको ही पता है, लेकिन उन चीज़ों से आप बाहर निकलिए। आपको घर के लिए भी सोचना है और आगे बढ़ना है तो उसके बारे में पैसे को बचाना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए हम आपको थोड़ा सा टिप्स देंगे, आपको बहुत आसान लगेगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। आगे बढ़ने के लिए आपको एक जगह रह के टिक के काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, कोई अच्छा फैक्ट्री ढूंढ लीजिए, ये नहीं कर कहीं भी जाइए जहाँ 10-12 हज़ार 15,000 20,000 आज के डेट में नॉर्मल मिलता है। इंडस्ट्री में 12 घंटा आप काम करेंगे तो 15-20 हज़ार आराम से आप कमा सकते हैं। तो एक टारगेट करना है कि अपने को कितना पैसे महीने में बचाना है। तो कितना पैसे बचाना है उसके लिए आपको एक बनाना पड़ेगा प्लान कि हमें 20/26 ड्यूटी करें, कोशिश करें कि 26 ड्यूटी करेंगे तो आराम से 15 से 16 हज़ार रुपये बच सकता है 12 घंटा करने के बाद। जब 15-16 हज़ार बच सकता है तो आराम से आपका जो भी शौक है, ये हम नहीं कहते कि शौक छोड़ दें, क्योंकि शौक तो आप छोड़ नहीं सकते, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं जो भी आपका शौक है। तो जितना भी आपका शौक है उसको आप मेंटेन 5 से 6 हज़ार में कर सकते हैं, फिर भी आप 8 से 10 हज़ार बचा सकते हैं। और आप एक साल का एकदम फिक्स कर लीजिए कि मुझे कम से कम 8 से 6 महीने से 1 साल के बीच में काम करना है लगातार, ताकि मैं 1-2 लाख रुपया कमा सकूं। जब आप 80,000 90,000 1 लाख एक बार आप बचा के देखिए, आप जब तक 1,50,000 का आपका चस्का नहीं लगेगा, इट मीन्स ये है कि जब आप 50,000 60,000 1 लाख एक बार आप कमा लेंगे ना, तो फिर आपको बचाने से कोई नहीं रुकता। लेकिन हम क्या करते हैं कि 10-20 हज़ार खर्चा कर देते हैं और हमारे पास होता है शून्य। तो जब तक आपको पैसे का लत नहीं लगेगा, आप ईमानदारी से 50,000 बचा के एक बार देखिए, फिर आपको कितना अच्छा लगेगा। जब वो 50,000 आपके पास आएगा ना, दिमाग बदलेगा, आपका सोच बदलेगा, आपका रहन सहन का तरीका बदलेगा, आप पैसे को कितना अच्छे से यूज कर सकते हो उसके बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे, तो आपको पैसा बचाने में बहुत आसान होगा। तो आप एक बार अपने हाथ से, अपने मेहनत से 50,000 कम से कम अमाउंट कमा कर बचा कर देखिए। 50,000 कमाने में हो सकता है आपको 1 साल भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, 3 महीना भी लग सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 6 महीने आप लगातार काम करके 50-60 हज़ार रुपये बचा कर देखिए, और जब एक बार बचा लेंगे तो पैसे का जो है महत्व समझ में आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पैसे कमाते हैं लेकिन उसको तुरंत खर्चा कर देते हैं। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? हम अपने शरीर को तो, उम्र को तो घटा ही रहे, लेकिन हमें धरती पर जिसके लिए भेजा गया है पैसे कमा कर, थोड़ा सा सुख चैन ये सब, थोड़ा सा अपना चीज़ों को अपडेट करना, रहन सहन, एक दूसरे के, जब आपके पास पैसे होंगे तो लोग इज्जत भी देंगे। किसी घर में साइकिल है तो बाइक लेगा, किसी घर में बाइक है तो कुछ और लेगा, कुछ बच्चों के लिए क्या प्लानिंग करते हैं, इसके बारे में हम तरह तरह का सोच रखेंगे, तभी हम पैसे को बचाना सीखेंगे। लेकिन हम लोग गांव से आते हैं, पैसे कमाते हैं अच्छा खासा पैसा, 10,000 12,000, मैंने काफ़ी लोगों को 15,000 उठाते हुए देखा है, लेकिन वो सब खर्चा कर देते हैं। अनेक तरह का प्रकार के रूम में 5 लोग रहते हैं लेकिन 5 अलग अलग तरीके के सोच रखते हैं, जिसके कारण उनका जो है पैसे जो है बचता नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप जिस रूम में रहते हैं तो आप पहले देखिए कि हमारे रूम में कौन कैसा है, वो किस तरह का सोच है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को चेंज लाने के लिए सोचिए। क्योंकि आपको
इतना मेहनत करते हैं, भाग दौड़ 12 घंटे आप काम करते हैं, मैं खुद जानता हूँ कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आप लोग पैसे को नहीं बचा पाते हैं। कमाने के बाद बचाना सीखिए, अपने घर माता पिता सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम बाहर आते हैं। माता पिता का बहुत सारा आस रहता है, उम्मीद रहता है कि हमारा बेटा बाहर गया है कुछ तो भेजेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं भेजते हैं, इसका मुझे बहुत अफसोस रहता है। मैं आपको बता दूं, जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं बेसिकली मैं लोगों को बहुत मदद करता हूं, सपोर्ट करता हूं, जितना बनता है उतना करता हूं, ये तो नहीं कर सकता हूं कि बहुत करता हूं, पर हाँ यहाँ तक काफ़ी मदद करता हूं। उनको रहने का भी बहुत अच्छा कर देते हैं, खाने का तुरंत व्यवस्था करा देते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं बचाते। मैंने काफ़ी अपने जो क्लासरूम है उनसे सिखाता हूँ कि पैसे कैसे बचाना है। कि सपोज़ कि आप 6 महीना काम करते हैं, पहले महीने आप 8,000 कमाते हो, 2,000-3,000 खर्चा कर दिए, 5,000 बचा, दूसरे महीना 5,000 बचा, तीसरे महीना हो सकता है थोड़ा और अच्छा लगा तो 7,000 बचा। जब ऐसे करके 6 महीने में भी 40-50,000 का बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि पैसे को बचाना है तो बचाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, ये तो नहीं कहता हूँ लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ लोगों को समझ में आए, आप एक बार 50,000, फिर से मैं कह रहा हूँ एक बार आप 50,000 बचाने की सोचिए अपने घर के। जब वो 50,000 से आपको समझ में आ जाएगा कि हमको आगे क्या करना है। तो दोस्तों इस तरह के चीज़ें हैं बहुत सारे, मैं YouTube चैनल के माध्यम से बहुत कुछ जो हमने सीखा है, खुद सीखा है, अपने मन में कैसे मेहनत हमने खूब किया है, बहुत मेहनत किया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी रात दिन लग के एक बार पैसे के लत लगाइए, पैसे बचाना सीखिए। पैसे बचाने से आपको बहुत सारे